सर नमस्कार, मैं विनय शुक्ला लखनऊ से। सर मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मैंने खोला है, 2 साल हो गए मुझे। और इससे के अलावा लखनऊ में मेरी पहले से ब्रांडेड लखनऊ में चेन है हमारी दवाइयों की, ब्रांडेड की। लेकिन होता क्या था सर, कई बार बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे जो दवाई के दाम पूछते थे मगर खरीद नहीं पाते। तो धीरे 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 जैसे हमने बाजार में पता किया, क्योंकि अपने को बड़ी तकलीफ होती थी कि ये आदमी बिना दवाई खाए जो है चला जाएगा, तो जो इसकी मदद हो सके वो करें। तो सर बहुत हम मदद कर देते थे, तो कभी खरीद दाम पे दे दी, कभी देखा बहुत आवश्यकता वाला कोई आदमी है तो उसको हमने फ्री दे दी। लेकिन सर इतना हम कितना कर देंगे, परमार सर एक सीमा तक ही कर सकते थे, इसके बाद संभव नहीं था सर। और कई बार सर गांव में के हम लोग रहने वाले हैं, तो कई बार गांव गए, पूछे आप, पता किया फलाने का क्या हुआ, कहीं साहब उनको तो कैंसर हो गया था, वो तो मर गए, 2 बीघा खेत भी बेची ना है, खेतों चला गवा और जमीन जो है वह चले गए, चाचा चले गए या बप्पा चले गए। तो सर बड़ी तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसा हो सकता जिससे कम से कम हम लोगों के साथ कुछ ऐसा कर सकें जिससे हाँ लोगों को ये लगे कि हाँ दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं, हम खरीद के खा तो पा रहे हैं। सर बहुत सारे मतलब हमारे तो बगल में सिविल अस्पताल है सर, रिक्शा वाला आता था पूछता था 10 तरह की दवा लिखी है, पूछता था भैया ये कौने चीज किया, ये कौने चीज किया, ये कौने चीज किया, अगर बता दिया हमने कि ये ताकत की है, ये एंटीबायोटिक है, ये गैस की दवाई है, क्योंकि तो सर एंटीबायोटिक लिखेंगे तो 10 तरह की दवाइयां साथ में और लिखनी पड़ेंगी उसके साइड इफेक्ट को रोकने के लिए। सब दवाइयों के बारे में पूछता था, फिर कहता था अच्छा ये दर्द वाली दवाई भैया दे दो और ये बुखार वाली दे दो, बाकी दवाई ना देना क्योंकि तो अभी हम पैसा बाद में लेके आएंगे, ले जाएंगे 2 खुराक हमें दवाई दे दो, दवाई लेके सर चला जाता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ मरीज पर्चा लेके आया हो, कोई रिक्शे वाला ये लेबर और दवाई पूरी लेके गया हो। तो सर 2 ढाई साल पहले हमें इसके बारे में पता चला सर। हमने जो सर सबसे बढ़िया लोकेशन थी जहाँ पर सबसे ज्यादा गरीब मरीज दवा ले सकते थे, जहाँ पर दुकान का किराया कम से कम 2.5 लाख रुपया महीना है सर, वहाँ हमने इस तरीके की एक बहुत बड़ी दुकान खोली है सर। मैं कैमरामैन साहब को एक सर निवेदन करूंगा कि आपको दुकान दिखाएं सर कि किस तरीके के हमने की है, क्योंकि यहाँ पर अब हम रोज कम से कम 250 से 300 मरीजों को रोज दवाइयां देते हैं। और जब आदमी को हम दवा देते हैं और आदमी हमसे 3 बार पूछता है भैया ठीक से जोड़ लियो है, इतने की दवा है, ये तो बहुत कम लग रहे हैं, ये तो 150 रुपया में मिली जा रही है दवाई, पहले तो हमको 3 हजार की आती थी, कोई कहता था 10 हजार की आती थी। तो सर उसके बाद जो आदमी अब हमारी दुकान को सर लोग ये कहते हैं मोदी जी की दुकान, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से इन लोगों ने नाम बदल दिया है यहाँ की पब्लिक ने, और इस दुकान का नाम कर दिया है मोदी जी की दुकान। तो सर मैं ब्रांडेड की दवाइयों के साथ साथ सर हमने ये जेनरिक का जो काम किया है इससे सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिल रही हैं जिसका मतलब मैं सर किसी कोई भी काम करता कुछ भी करता सर, लेकिन इतनी लोगों की दुआएं मुझे कभी ना मिलती जितनी इस दुकान को खोलने से, आपके माध्यम से जो जो मैंने लोगों की सेवा का काम किया है सर शुरू, मुनाफा उतना ही है सर आज नहीं तो कल सर, 2-2.5 हजार कस्टमर का हमारा है कि 2 से 2.5 हजार लोगों को हम कम से कम यहाँ अपने पास बुलाएंगे और उनको इसको कैटर करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग समय समय पर चलिए, लोगों को बहुत जाके बढ़िया, आपने बताते बहुत हैं। अच्छे ढंग से विषय अच्छे रखा। ढंग से विषय रखा आपके यहाँ सर, कोई बेनिफिशियरी हैं जो मुझे बता सकते हैं जिन्होंने ये दवाइयाँ ली हो, फायदा उठाया जी हो? सर, जी सर मैं दे रहा हाँ बताइए। हाँ बताइए सर। हाँ आपका नाम? हाँ आपका नाम अब्दुल गफ्फार रायनी। बताइए अब्दुल जी। बताइए अब्दुल जी। हम दवाई ये आपकी दुकान से दवाई ले रहे हैं, यहाँ हमें बहुत कमी महसूस हुई, बहुत पैसे कम, हम 2-3 हजार रुपये कमाने वाले आदमी यहाँ पे, हम 300 हार्ट पेशेंट हैं, हम 3-4 हजार महीने की हमारी सैलरी है, और उसमें कम पैसा पैदा करने वाले भी, हम 300-400 रुपये महीने की हार्ट पेशेंट हैं, उसकी दवाई मिलती, लेकिन यहाँ पे आज 43-44 रुपए की जब भी आते हैं तो इतनी इतनी दवाई लेते हैं हम। हाँ 43-44 रुपए की दवाई मिलती है 1 महीने की, बहुत कम पैसे में सारा काम होता है हमारा, तो पैसों की बचत हो रही पैसों की है। बचत हो रही। चलिए अच्छा लगा मुझे। चलिए और अच्छा कौन लगा है, मुझे। और और कोई बात करना चाहते हैं? जी सर, आदरणीय प्रणाम सब, मैं अशोक मेहरा बोल रहा हूँ सब लखनऊ से। मेरा नाम अशोक कुमार मेहरा है, मैं कपड़े की दुकान में नौकरी करता हूँ सर, छोटी सी दुकान है, उसमें मैं सेल्समैन हूँ सर, और मेरी उम्र 65 वर्ष की है, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा सर किडनी खराब है, मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है,
और प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सी प्रॉब्लम हो गई सर। हुआ ये कि मालिक ने कहा भैया ये तो कभी आता है कभी आता है, इसको भी निकालो बाहर करो। तो सर मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ी 3 महीने पहले, और बहुत ही बुरा हाल था मेरा, और मेरी 6,000 रुपये महीने की दवा आती थी। ये सर आपकी दुकान या मोदी जी की दुकान नाम से ही फेमस है, भाई विनय शुक्ला जी ने जो बात करी, 603 रुपए की सर मुझे दवा मिलती है, 6,000 रुपए की दवा पात्र 603 रुपए की। दिल से सर दुआ आपके लिए निकलती है, भगवान करे आप खूब पुण्य कमाएं और खूब आगे बढ़े, ये मेरे दुआ है ईश्वर से आपके लिए। प्रणाम सर। चलिए अशोक जी आप भी जल्दी ठीक हो जाएं, इतना सारा कष्ट आपको हो रहा है और सारी बीमारी आपने पाल के रखी है, तो आपको कितनी दिक्कत होती होगी इसका मैं अंदाज लगाता हूँ। महीने का, और अब 603 रुपए में दवा 90% सर, और हम पति पत्नी दो ही आदमी और मुझे ही कमाना है, तो भगवान की दया से आपके आशीर्वाद से तब निकल रहा है सर, और बहुत प्रसन्न है हम लोग। चलिए आपको परमात्मा आशीर्वाद दें आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात कर करके, आप लोगों ने सचमुच में ये जन औषधि केंद्र जो है वो हर किसी की मदद करेगा, गरीब की तो करेगा, मध्यम वर्ग की भी उतनी मदद करेगा।